Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वी आर ऑल सेट टू गो फॉर निशापुर की ज़्यारत। अभी हम बस में निशापुर जाएंगे, फिर हम जाएंगे अबासलत की और बीबी शतीता की। तो वी आर ऑल सेट। आज हमारा यहाँ पे तीसरा दिन है और हमने 3 4 दिन, 2 3 दिन जो हैं वो इमाम अली रज़ा के रोज़े के ऊपर गुजारे, और आज हम अतराफ़ की ज़्यारत करने के लिए जा रहे हैं। कदमगाहे इमाम अली रज़ा हम यहाँ पहुँच गए हैं। आइए, आपको अपने साथ लेकर चलते हैं। राइट नाउ इट्स नहीं नहीं इसको ये देखिए, रखते हो उसे पॉइंट भी, हाँ पॉइंट डोंट भी लगी लगी भी है। हाँ काफी ठंड है भाई। हाँ काफी। ये देखो चिमनियाँ, हाँ ये ऐसे जैसे हुजरे से लग रहे हैं खैमे। आए लोगों के लिए जो आ रहे यहाँ पे सर्दी में से बचते हैं। ये देखें काफी स्टीप है। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें और फिर मैं देखा वो तो हम लोग चाहते रहे यार जब निकले बंदे को तो हम सुनो हम भी जो है वो एक बहुत कुछ नहीं था मैं ये जो फिर भी आई पाकिस्तान ये देखे पाकिस्तान पहचान गई है आपकी शलवार कमीज से। ठीक है, हम हमारे इलाके में इसको किवाड़ कहते हैं। अच्छा ये किवाड़ है, बड़ा किवाड़। ये वो हाँ इनसे पूछ लेते हैं, गूगल हरमल का पूछ लेते हैं। ये
ये कदम का ही इमाम अली रज़ा का गुंबद है। यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है शाहजी। मकान है जो कदम का है इमाम अली रज़ा है, और यही वही मकाम है जहाँ पर नीशापुर में जहाँ पर इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम आए थे। यहाँ पर मुहिब्बाने अहले बैत, मुहिब्बाने औलादे आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू वांट टू गो लाइव, इंतज़ार कर रहे थे उन तमाम लोगों का, इंतज़ार कर रहे थे इमाम अली रज़ा का कि वो कोई अहादीस आकाए दो जहान की हमें सुनाएं तो हम लिखें। और एक सिलसिला तो ज़हब जो एक बहुत ही मशहूर हदीस है वो इमाम अली रज़ा अलैह सलाम ने यहाँ पर इरशाद फरमाई, और इस तरह से इमाम ने आगाज़ किया उस हदीस का। एक छोटा सा तालाब सा बनाया उन्होंने यहाँ पे, फाउंटेन सा बनाया है, लेकिन ये बिल्कुल जैसे हमारा शालामार का है ना, कि वो ऊपर से नीचे आएगा तो वो चल पड़ेगा। ये मुगलई सिलसिला जो था बनाने का, तामीरात का, वो आपको यहाँ पे नज़र आते हैं बिल्कुल इसी टेक्नोलॉजी पे, तर्ज पे हमारा शालामार बाग के वो फाउंटेन्स बने हुए। ऑलराइट, सो बेगम मुझे अकेले छोड़ के बायो ब्रेक पे चली गई है, यहाँ पे शाम इंजॉय कर रहा हूँ। ये देखिए अब बेगम ने अचानक मुझे कॉल कर दी, तो मैं शाम इंजॉय करते करते वहाँ जा रहा हूँ। चौधरी खड़े हुए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए काले रंग की शलवार कमीज, काले रंग का दूसरा और शिराज। अस्सलाम वालेकुम, हम नए साल के पहले दिन अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अली रज़ा की कदमगाह जो नीशापुर में है वहाँ आए हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इस जगह का कदमगाह है, इमाम अली रज़ा का डूम है। यहाँ पर अभी हमने ज़्यारत की और अभी हम फारिग हुए और हम जा रहे हैं बीबी शतीता की तरफ। सो हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस सो फार? मौसम भी अच्छा हो, मौसम बड़ी यहाँ पे ठंड था, हाँ। शाम बड़ी खूबसूरत थी, हरियाली बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपेरेटिवली पहाड़ी का इलाके, और ये जगह जो सी है ये उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है जितना इमाम अली रज़ा का रोज़ा है। और यहाँ पे मगरी पुराने पाकिस्तानी मज़ारों की फील आती है। यू राइट, बल्कि वो जो हम गए थे शाह शम्स तब्रेज, उस जैसी फील भी है, बल्कि वो अरेंजमेंट में शायद इससे थोड़ा बेहतर है। सही, यहाँ पे कॉन्स्टेंट रेनोवेशन की पूरी चल रही है, रेनोवेटेड, लेकिन बागीचा बड़ा खूबसूरत है, बागीचियाँ बनाई गई और बड़े बड़े पुराने दरख्त लगे हुए हैं, और आई डोंट नो इफ यू कैन हियर इट और नॉट, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब शाम हो रही थी तो बहुत सारी चिड़ियों की और चिरिंद की जोन सी है ना, और ये जो आपको आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे, बहुत सारे मुख्तलिफ काफ़िले आए हुए हैं जो कि अभी हमने देखे। बहरहाल इस वक्त हम नीशापुर में थे एंड आई थॉट वी शुड शेयर इट विद यू।
अच्छा यहाँ पे चश्मा है जो कि जहाँ से पानी निकलता है वो तबरुकन लोग लेकर जाते हैं, मगर उन्होंने अब बंद कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ जा रहा था, अब ये ओपन नहीं है, ये बंद है लॉक। सो अब उसकी बजाय उन्होंने पानी जो है ये वहाँ पर कर दिया, निकल चुके और जा रहे हैं बीबी शतीता। शाम रात हो गई है लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि रात के मनाज़िर कैसे। हम यहाँ पे आस्तान मुबारका बीबी शतीता नीशापुरी के मरकज पे आए हैं। बीबी शतीता जो हैं आरुफ, अगर आप मुख्तलिफ वीडियोस में देखें, मुख्तलिफ किताबों में पढ़ें तो आपको पता चलता है कि ये इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम के दौर की खातून हैं, जो एक बहुत बूढ़ी खातून थी, मुहिब्बे अहले बैत, अपने वक्त के इमाम की बहुत अताअत करने वालों में से थी, मुखलिस थी और बहुत गरीब थी। इमाम मूसा काज़िम ने अपने एक वकील को यहाँ पर भेजा और उनसे कहा कि जितने भी यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट और जो भी उस वक्त के अमीर तरीन लोग थे उनसे इकट्ठा करे, खुम्स इकट्ठा करे, और वो फिर वो तमाम लोगों से खुम्स इकट्ठा किया उस जो एक वकील इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के यहाँ पर जिनको भेजा गया, जिनकी ड्यूटी लगाई गई, तो बीबी शतीता भी उनके पास आई और उन्होंने एक दिरहम दिया। बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने हज़ारों लाखों दिरहम दिए, मगर उस बीबी ने सिर्फ एक दिरहम दिया। जब वो वकील इमाम के पास वापस गया तो इमाम ने सारा खुम्स जब उनसे वसूल किया तो इमाम ने सवाल किया उस वकील से कि मुझे बताओ कि शतीता ने जो एक दिरहम दिया था वो कहाँ पर है। तो वो जो वकील था वो बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि इमाम को किस तरह से मालूम है, जबकि ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि इमाम आइमा मासूमीन जो हैं वो इल्म रखते हैं, हर बात का इल्म रखते हैं। फिर वो एक दरहम जो है वो दिया गया और फिर उस वकील को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने 15 दिरहम देकर भेजा और उससे कहा कि तुम जाओ उस औरत शतीता के पास, उसको हमारा पैगाम दो और उसको ये बताओ कि वो बानुए पसंदीदा है, यानी पसंदीदा औरत है, पसंदीदा खानून है, क्योंकि उसकी जो मुखलिसी है टुवर्ड्स अहले बैत वो अपनी मिसाल आप थी। और 15 दिरहम देकर इमाम मूसा काज़िम ने उनको भेजा और उसको ये भी पैगाम भेजा कि 15 दिनों के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा और मैं मूसा काज़िम ख़ुद तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आऊँगा, और वो जो पैसे भिजवाए वो उसके कफन दफन के लिए थे। तो आप ये देखिए कि जो मुखलिसीन होते हैं और अहले बैत और मुहिब्बान अहले बैत होते हैं, किस तरह से हर मुश्किल में आइमा मासूमीन जो हैं उनकी मदद करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और उनकी मुश्किलों में उनके साथ होते हैं। आइए इस मरकज की ज़्यारत करते हैं, यहाँ पर फातिहा पढ़ते हैं और साथ ही साथ अपने लिए दुआ करते हैं कि हमारे दिलों को इस दुनियावी दौलत से बेनियाज कर दे और हमारे दिलों में वो मुखलिसी और वो आजिज़ी और वो मोहब्बत अहले बैत अतहार की डाल दे कि हम अपनी ज़िंदगियों को उस तरह से गुजार सकें, बेहतरीन तरीके से गुजार सकें, जिस तरह से हमारा रब चाहता है कि हम उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए इस दुनिया में अपनी ज़िंदगियां गुजारें। आइए मैं आप ये देखें कि वो मीनारा नूर तो हैं मगर जो उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, उनकी तालीमात पर चलते हैं, किस तरह से अल्लाह सुबहान व तआला उनको ये सआदत हासिल करता है कि इस दुनिया में जब भी इस मुल्क में, इस जगह के ऊपर, ईरान में बिलखसूस मशहद में जो कोई आता है वो बीबी शतीता की ज़्यारत ज़रूर करता है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।
ये देखिए, ये बीबी शतीता का मरकत है। बानुए रिश्तगार खबा इफ़त व इखलास व विलायत पज़ीरी दोस्ती अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मुफ्तखर ब इनायत वीज़ा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की तरफ से इनको कफ़न जो है वो भिजवाया गया, और कुछ रिवायात में मिलता है कि कफ़न के लिए पैसे भिजवाए गए। तो आप ये देखिए कि उनसे मोहब्बत, उनसे अकीदत आपको इस दुनिया में भी काम आती है और आपको आखिरत में भी काम आती है। All right, so we are at Hyperstar in Mashhad. So for all those people who think Iran is not modern, it is as modern and connected, and it has availability of all the things you can imagine. Har cheez yahan pe maujood hai. Yahan pe Hyperstar aane ka maqsad khaas taur pe ye hai ki ye jo ek tasavvur banaya gaya hai Iran ke bare mein,